क्रिकेट की बमचक इज प्रेजेंटेड बाय हाउसैट इन एसोसिएशन विद 5paisa.com। रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस फिर हार गए। पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई को सीजन की तीसरी हार का सामना करना पड़ा। चेबॉक में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पंजाब के बॉलर्स ने कैप्टन केएल राहुल के फैसले को बिल्कुल सही साबित करते हुए मुंबई को सिर्फ 131 रनों पर रोक दिया। चल दूसरा कुछ तो लगा उसकी। अरे दूसरा हद दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट। हाउस दैट। दिस गेम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए, इसके बावजूद टीम 131 से आगे नहीं जा सकी। पंजाब के लिए रवि बिश्नोई और मोहम्मद शमी ने कमाल की बॉलिंग की और 2-2 विकेट निकाले। जवाब में पंजाब की टीम ने बेहद आसानी के साथ मैच जीत लिया। केएल राहुल 60 जबकि क्रिस गिल 43 रन बनाकर नाबाद लौटे। मयंक अग्रवाल ने भी 25 रनों का अच्छा योगदान दिया। मैच के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा की बात सुनना सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि उनकी टीम सिर्फ 131 रन बनाकर मैच हारी थी। रोहित शर्मा ने मैच के बाद अपनी बैटिंग पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा, रन कम थे हर तरह से। मुझे अब भी लगता है कि ये बैटिंग के लिए खराब विकेट नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे किंग्स ने 9 विकेट से मैच जीत लिया। अगर आप 150 या 160 बना लेते हैं तो गेम में बने रहते हैं और हम पिछले 2 मैचों में ये नहीं कर पाए। हमें इस पर ध्यान देना होगा। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि उनके बॉलर्स ने पावर प्ले में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की। मैच में तीसरे नंबर पर उतरे ईशान किशन एक बार फिर से फेल रहे हैं। उन्होंने 17 गेंदें खेलकर सिर्फ 6 रन बनाए। रोहित ने इस बारे में भी कहा, ईशान हिट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। यहां तक कि मैं भी हिट नहीं कर पा रहा था। हम ट्राई कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हुए। पिछले 4 मैचों में हमने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की थी लेकिन आज नहीं कर पाए। हम पूरे 20 ओवर तक वैसी बैटिंग नहीं कर पा रहे जैसी करना चाहते हैं। हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रोहित ने यह भी बताया कि उन्होंने ईशान किशन को तीसरे नंबर पर क्यों उतारा। रोहित ने कहा, ईशान को तीसरे नंबर पर भेजना बस एक टेक्टिकल चीज थी। हम बीच में किसी ऐसे को चाहते थे जो स्पिन के खिलाफ अच्छा खेले और हमने ऐसे प्लेयर के रूप में सूर्या को चिन्हित किया था। जब ये काम कर जाता है तो अच्छा लगता है और अगर काम ना करे तो खराब। फैसले लेना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरी यूनिट लगती है। हमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि कठिन हालात में हम कैसे बैटिंग और बॉलिंग करें। अपने पहले 5 मैचों में 3 हारने के बाद मुंबई आईपीएल टेबल में 4वें नंबर पर है। टीम का अगला मैच अब 29 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है। ये मैच दिल्ली के फिरोशा कोटला में खेला जाएगा। ये तो थी मैच की बात, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी 5paisa ऐप की भी, क्योंकि अब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और 5paisa ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। साथ ही साथ गोल्ड, आईपीओ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट कैसे करना है ये समझ भी सकते हैं। और लल्लन टॉप यूज़र हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे तो IPL 200 कोड यूज़ करना ना भूलिएगा, जिससे आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिलेंगे। IPL से जुड़ी तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। इस स्टोरी को लिखा है हमारे साथी सूरज ने, कैमरे के पीछे है राशिद, मैं हूं विपिन, शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे द लल्लन टॉप पर।